उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर विकास कार्यों की समीक्षा व भौतिक सत्यापन के लिए चित्रकूट धाम मंडल आयुक्त शरद कुमार सिंह आज महोबा पहुंचे। उन्होंने जिला अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने जैतपुर विकासखंड के लाटपुर गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। अस्पताल में हमने नोडल अधिकारी के रूप में जो शासन ने हमें नियुक्त किया है आज यहाँ देखा गया और साफ सफाई तो आज ठीक मिली है, लेकिन हमारा निर्देश CMS को यह है कि ये सफाई इसी तरह से रोज़ होनी चाहिए। शिकायतें अक्सर ये मिलती हैं कि जब इंस्पेक्शन होता है तो सफाई हो जाती है और डेली बेसिस पर सफाई नहीं होती है, तो इसके बारे में कड़े निर्देश हमने दिए हैं कि इसी तरह सफाई जो है डेली होनी चाहिए। इसके अलावा हमने जो दवाओं का सेक्शन है स्टोर रूम, उसको चेक किया है। यहाँ पर एक रजिस्टर बनना चाहिए कि जो दवाएँ एक्सपायर हो गई हैं वो उस रजिस्टर में अंकित होनी चाहिए। ये रजिस्टर यहाँ पर नहीं बना हुआ है और इसमें इस बात को मैं निर्देश दे के जा रहा हूँ, अगर अगली बार भी ये रजिस्टर नहीं बना तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए मेरे स्तर से लिखा जाएगा। कुछ मरीजों से भी हमने पूछताछ की है, वहाँ से ये बताया गया कि दवाएं हमको बाहर से नहीं लिखी जा रही हैं, दवाएं हमको मिल रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा निर्देश दिया गया है कि किसी भी दशा में दवाएँ बाहर से न लिखी जाएँ, क्योंकि दवाएँ सरकार ने सब उपलब्ध करा रखी हैं। कोई दवा अगर संजोग से नहीं भी है उस अस्पताल में तो निर्देश ये है कि उसके लिए लोकल परचेज CMS करेंगे। किसी भी दशा में मरीज को बाहर से दवा खरीदनी नहीं चाहिए। तो अभी तो कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन अगर कभी आगे भी हमारे दौरे में मिलेगी। रामपुर में एक बार फिर दहेज के चलते एक बेटी की जान चली गई। मामला रामपुर की कोतवाली मिल के जमापुर गांव का है, जहां जीवेंद्र सिंह ने अपनी बेटी मुन्नी की शादी 13 मई 2019 को थाना टांडा के मोगपुरा गांव निवासी सुरेश के साथ की थी। जीवेंद्र सिंह ने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज में सब कुछ दिया था। बीती रात उसकी बेटी मुन्नी का शव उसके कमरे में पाया गया। वहीं आसपास के लोगों ने मृतक मुन्नी के परिवार वालों को इसकी सूचना दी। परिवार वालों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी तो पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और उसके बाद तहसीलदार और CO और SO घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और इस मामले पर मृतक मुन्नी के पिता की ओर से पति सुरेश, उसके पिता रामोतार और उसकी मां 3 लोगों के खिलाफ थाना टांडा में मामला दर्ज कराया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जीवेंद्र। जीवेंद्र भाई, क्या मामला हुआ था, कौन थे आपके, पूरी बात बताइए, क्या कौन थे? मैंने मुन्नी की शादी, अपनी लड़की की शादी करी सुरेश के साथ, तो दहेज के ऊपर मैंने 4 पहियों गाड़ी मांगी थी, 4 पहियों गाड़ी नहीं दे पाए हम। 2 बीघा ज़मीन बेचकर मैंने उनकी मैंडेट पूरी कर दी। मैंने आखिर में उन्होंने क्या काम करा, गला घोट दिया मुन्नी का घर में। कहाँ की रहने वाली है तुम्हारी बेटी, कहाँ गई भी है, कौन से गांव? जमापुर की रहने वाली थी, मऊपुर में शादी करी थी। कितने टाइम पहले शादी की? 13 मई को। अच्छा, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया? तीन लोगों के। कौन कौन बताओ? उसके पति का और उसके सासू का। अच्छा, तो अभी कोई पुलिस ने पकड़ा है किसी को या भागे? दो जने पकड़ लिए। कौन कौन? माँ बेटा। अच्छा, ससुर गायब है। कितनी उम्र होगी लगभग बच्ची, लड़की की? लड़की की ऐसी होती 20-21 के आसपास, 20 साल के आसपास। ठीक है, ठीक। सर, मंगूपुरा गांव में एक विवाहिता की मौत हो गई, किस कारण से मौत हुई और क्या मामला है? अभी कारणों का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये बताया गया गांव वालों ने कि फांसी आत्महत्या की गई है और इसकी गांव के प्रधान है उनके द्वारा भी बताया गया कि मैं मौके पाया तो ये लड़की बिस्तर पर पड़ी हुई थी। अब इसमें विवेचना का विषय है, विवेचना में जो भी तथ्य निकल के आएंगे सामने उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। शादी को कितना टाइम हुआ था? शादी को उसको 5-6 महीने हुए थे। ये लड़का इसका काम करता है मिस्त्री का, राज मिस्त्री का काम कुछ करता है। ससुराल वाले में किसी को गिरफ्तार किया है क्या? अभी गिरफ्तार किसी को नहीं किया गया है, ये घर सब भाग गए हैं घर से। अच्छा। और जैसे ही ये पता चलता है उसके कि क्या हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसके बाद तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तहरीर दे दी परिजनों ने? हाँ, तहरीर दे दी है। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है। कितने लोगों के खिलाफ हुआ? 3 लोगों के खिलाफ है मुकदमा।
उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार बदमाशों का एनकाउंटर चला रही है, लेकिन उसके बाद भी मेरठ शहर में लगातार बदमाश वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। दरअसल मामला मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के अबुलेन फ्लेवर्स रेस्टोरेंट के पास का है, जहां कैंटोनमेंट बोर्ड सफाई कर्मचारी के साथ कुछ स्विफ्ट डिजायर सवार युवकों ने मामूली सी बात पर पिस्तल तान दी। युवकों ने पिस्तल निकालकर कर्मचारी पर तान दी। सफाई कर्मचारी ने हाथ से पिस्तल का मुंह ऊपर किया तो उसके हाथ में गोली लग गई। गोली लगते ही युवक वहां से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक जॉनी नाम का व्यक्ति था जो सफाई कर्मी है, बेसिकली वो अपने ठेले के माध्यम से जा रहा था। पीछे से एक स्विफ्ट डिजायर कार थी जिनमें आपस में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई ट्रैफिक को लेकर, और जिसमें आवेश में आके एक स्विफ्ट डिजायर वाले व्यक्ति ने गोली चला लेने की प्रयास किया है, और जो गोली उसके हाथ पैर लगी है। चिंता की स्थिति नहीं है और हमें गाड़ी का नंबर पता चल गया है और हम आगे की विधिक कार्रवाई करवा रहे हैं। सर, प्रशासन पूरी चेकिंग पे है, पूरे पॉइंटों पर प्रशासन चेकिंग पे रहता है, इसके बारे में क्या है? नहीं, प्रशासन निश्चित रूप से डेली चेकिंग पे है, अलग अलग चेकिंग पॉइंट पे हमारी चेकिंग जारी है और निश्चित रूप से आपको परिणाम इसके सामने मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में सूबे में सुप्त पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने के लिए कांग्रेस ने हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष समेत 51 जिलों में नई कार्यकारिणी की घोषणा की है, जबकि कुछ जिलों में उपचुनाव निपटने के साथ ही ऐलान होना है। इसी को लेकर अब खुद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दौरा शुरू कर दिया है। चूंकि मामला न्यायपालिका में है और संवैधानिक रूप से न्यायपालिका में अगर कोई भी चीज़ का बहस चल रहा हो तो उस पर टिप्पणी देना गलत होगा। अभी कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट में अभी सुनवाई और उसके फैसले को आरक्षित किया गया है, आने दीजिए, उसके बाद विचार किया जाएगा। देखिए, मैं गंगो जा रहा हूँ चुनाव प्रचार में। जिस तरह की आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार को अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, अराजकता का बोलबाला है, लूट हत्या डकैती और बलात्कार इस प्रदेश की पहचान बन गई है, बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, नौजवान रोजगार को लेकर चिंतित है, 45 वर्षों के रोजगार का रिकॉर्ड टूटा है, किसान हताश और निराश है पूरी तरह। आज किसानों को, चाहे गन्ना किसानों के भुगतान का मामला हो, धान क्रय केंद्रों का मामला हो, मुरादाबाद कभी एक अपनी ऐतिहासिक पहचान रखती थी, हैंडीक्राफ्ट मजदूर कहीं ना कहीं जो उद्योग था उसके, उस पूरे चीज़ों पर आज पूरी तरह इस भारतीय जनता पार्टी ने निराशा दिलाने का काम किया है। निश्चित भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का खोए हुए विश्वास को हासिल कर निश्चित उपचुनाव में हम एक अच्छी परिणाम देने की स्थिति में। पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है और गांव-गांव लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो कांग्रेस उसमें क्या करने जा रही है? पंचायत चुनाव में हमारा बड़ा स्पष्ट निर्णय है, कांग्रेस पार्टी की अभी एक बैठक हुई थी, जिला पंचायतों का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी मजबूती से पंचायती चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। ठीक।